हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन सी राशि को फॉलो करें। तो जिस भी साइन को आप शुरू से अपना मानते आए हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, या फिर जिस साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उसी को ही फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं प्रॉस्पैरिटी एंड फॉक्स। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं इंट्यूशन एंड रिंग। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है शी वुल्फ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है मर्कुरी प्लैनेट। तो लिब्राज देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे प्रॉस्पैरिटी का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है, एक रिचनेस की बात करता है, कहीं मटेरियलिस्टिक गेन्स पोजीशंस की बात करता है। तो इस वीक प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी लेवल पे या किसी भी तरीके का एक फाइनेंशियल गेन हो सकता है, पैसे रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है। और देखिए, इस कार्ड में लिखा हुआ है गुड फॉर्चून, सक्सेस, वेल्थ। तो जो भी काम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं उससे रिलेटेड कहीं एक स्मूथ गोइंग जाते हुए दिख रही है इस वीक। या तो आपको सक्सेस मिल रही है, या जो भी आप इस वीक कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में या उस काम में आगे जाके डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकती है। और देखिए, इस कार्ड में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड बाय सपोर्टिंग अदर्स। तो जब भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज में रहें और यूनिवर्स को थैंक्स करते रहें। क्योंकि जब हम यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, तो यूनिवर्स और ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। और देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे फॉक्स का भी कार्ड है। और ये कार्ड कहता है श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो देखिए, यहाँ पर ये कार्ड थोड़ा सा अलर्ट होने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए कह रहा है। और होता भी ऐसे ही है, जब अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं या जब हमें सक्सेस मिल रही होती है तो हम थोड़ा सा केयरफ्री हो जाते हैं, थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए, फॉक्स कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि आप अलर्ट रहें, केयरफुल रहें, थोड़ा सा कॉशियस भी रहें और बहुत सिंप्लिसिटी से काम ना लें। एक क्लेवर एटीट्यूड भी रखना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉक्स कार्ड आपको कह रहा है। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है। और इंट्यूशन टैरो में हाई प्रीस्टेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं देखिए, हो सकता है कि किसी लेवल पे आप बहुत ज़्यादा एक सब्र रख रहे हैं, बहुत एक पेशेंस रखने वाली एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आप एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किसी चीज़ में हो रहे हैं, बहुत एक पैसिव एनर्जीज हैं। और देखिए, हाई प्रीस्टेस कहीं किसी चीज़ को हाइड करने की भी बात करता है, सीक्रेटिव एनर्जीज की भी बात करता है। तो कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस हाइड कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आपको पता है, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो आप हाइड कर रहे हैं अपने लव वन से, क्लोज वन से। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको बोल रही हूँ। और कहीं अगेन मैं कहूँगी, आप सब्र रख रहे हैं, कहीं अपने आप को बैक फ्रंट पे रख रहे हैं, खुल के आप किसी भी चीज़ में नहीं आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे गाइडेंस के लिए शी वुल्फ का कार्ड एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करता है। ये कार्ड कहता है अनलीश द वाइल्ड विद इन। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जीज में हैं, लेकिन कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप
खुल के उनको एक्सप्रेस करें, आप खुल के पार्टिसिपेट करें, आप बिल्कुल भी अपने आप को बैक फ्रंट पे ना रखें या बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे अपने आप को सप्रेस ना करें, या फिर मैं कहूँगी कि आप पैसिव एनर्जीज में ना रहें। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप इनिशिएटिव्स लें, एक्शन लें, और अगेन मैं कहूँगी कि बिंदास होके जो भी कहना चाहते हैं वो कहें, या बिंदास होके बिना डरे, बिना हेजिटेट करें आप अपनी बात को कहें, अपना व्यू पॉइंट रखें। और यहाँ पे देखिए पर्सनल लाइफ के लिए रिंग का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे रिंग कार्ड को मैं लिटरली नहीं लूँगी। यहाँ पे रिंग कार्ड का मतलब इन जनरल हो सकता है कि किसी भी चीज़ को आप डिज़ायर कर रहे थे तो किसी भी लेवल पे आपको मिल सकती है। और देखिए उसके लिए अगेन मैं कहूँगी कि एक वाइल्ड एनर्जीज़ में, एक बिंदास वाली एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मर्कुरी का कार्ड है, और इसके हिसाब से वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है, और ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेगा। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।